हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग इन इनकीज़ ड्रीम वर्ल्ड। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा एक पार्सल रिसीव होने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो जब मैं ऑफिस में थी, मुझे मैसेज आया कि मेरा पार्सल डिलीवर हो चुका है, लकीली डिलीवर हो चुका है। तो अभी आई एम गोइंग एंड आई एम अनरैपिंग द पार्सल, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैं ना मज़ीद भूल गई हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था, बिकॉज़ टेमू में ना बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बट द थिंग इज़ यू हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 to 15 days आपको वेट करना होगा, तब जाके आपको पार्सल रिसीव होगा। तो मैं भूल गई हूँ, मे बी कुछ किचन आइटम्स ऐसे कुछ मंगाया है। चलिए चलकर देखते हैं क्या क्या है। आप मेरे वीडियोस में देख ही रहे हैं कि यहाँ के पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं है। एक्चुअली ना, मुझे ये बिना पत्तों के बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर पत्ते हैं तो मुझे ना वो बस ऊटी वाली वाइब्स आती है, बट बिना पत्तों के एक्चुअल यूके वाली वाइब्स देता है। आई लव दिस काइंड ऑफ वेदर एंड बिना पत्तों के तो ये और भी खूबसूरत लगता है ये सिटी। ये लो जी, हम पहुंच गए अपने घर एंड मैं थोड़ा बहुत डर गई थी बिकॉज यहाँ पर ना कुछ पार्सल नहीं नज़र आ रहा था, बट वंस अगेन आई चेक्ड, बाहर चेक किया मैंने, सो मेरा पार्सल वहाँ पे रखा है, देर इज़ पार्सल। एंड यहाँ की ना ये बात की स्पेशलिटी है कि कुछ पार्सल वगैरह चोरी नहीं होता, दिस इज़ द मेन थिंग एंड मेन क्वालिटी ऑफ दिस सिटी। कुछ भी रखो यहाँ पर कुछ चोरी वगैरह नहीं होता, वैसे कि वैसा ही रहता है। सो हियर इज़ माई पार्सल, इतना बड़ा पार्सल है। ओके, चलिए लेट्स ओपन दिस। सो ये देखिए, अगेन मैंने स्टोरेज कंटेनर को ऑर्डर किया, मेरे पुराने वीडियो में शायद आप लोगों ने देखा होगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने और एक स्टोरेज कंटेनर मेरे किचन में रखने के लिए ऑर्डर किया है। शायद मैंने दो ऑर्डर किया था इन द सेम कलर, पिंक कलर में। एंड ना मैंने यहाँ पर सॉक्स ऑर्डर किया था और ये मैंने ना थाई सॉक्स टाइप ऑर्डर किया था जो थाई लेंथ तक आता है, ये देख सकते हैं आप, दे आर इन गुड क्वालिटी। दिस इज द फ्लीस लेगिंग्स, जो ऐसे स्किनी लेगिंग्स टाइप है, ये जो वायरल है, बहुत ही वायरल चल रहा है, सो आई थॉट ऑफ कि मैं भी ऑर्डर करके मंगा कर देखती हूँ। सो दिस इज द लेगिंग्स, क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, होप मुझे साइज हो जाए। और ऑल्सो सॉक्स, टू पेयर ऑफ बेज कलर सॉक्स, प्लशी सॉक्स है ये, अंदर का मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट है। मैंने इसका रिव्यू चेक करा एंड देखा कि रिव्यू में बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, सो मैंने भी सोचा कि मैं ऑर्डर करती हूँ। दे आर ऑफ स्किन कलर एंड दे आर सो सॉफ्ट, क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है। दिस इज़ द ह्यूमिडिफायर, यस आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर दिस प्रोडक्ट, ये ह्यूमिडिफायर है एंड इसमें लाइट भी आता है, ऐसे मैंने देखा। दिस इज़ सो क्यूट, बहुत ही क्यूट है, इसमें लाइट आएगा, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस। एंड दिस आर द एयर फ्रायर लाइनर्स, जो मैंने एयर फ्रायर खरीदा उसके लिए लाइनर्स मंगाए हैं, 100 पीस में है ये। दिस इज द सिलिकॉन ऑयल डिस्पेंसर, अगर रोटी पराठा वगैरह बनाए तो उससे लगाने के लिए मैंने इसको मंगाया है। मुझे ना ऐसे अनबॉक्स करने में बहुत ही मज़ा आता है, पता चला। एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मंगाया था मैंने, मेरे रबर बैंड वगैरह होल्ड करने के लिए ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। एंड यस, दिस इज़ सो क्यूट, यहाँ पर ना आप देख सकते हैं, दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ एक्रेलिक एंड ये बहुत ही अच्छा है, द क्वालिटी सो गुड। मुझे ऐसी किसी ऑर्गेनाइज़र की तलाश थी एंड आई गॉट इट फाइनली, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये देखिए गाइस, इनकी क्वालिटी, एंड ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं टेमो ऐप से मंगाती हूँ। अगर किसी ने अभी तक टेमो ऐप ट्राई नहीं किया है तो एक बार मेरे सजेशन पे ज़रूर ट्राई करें, इनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है।
मेरा व्लॉग ना यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन बाय बाय।